वेलकम बैक टू माय चैनल स्टाइल एंड कैरियर। सर माय सेल्फ ऋतुपर्णा, कैसे हो आप सब? आई होप आप फिट फाइन एंड हेल्दी आपके घर में। आज के वीडियो में मैं आपके साथ एक विंटर स्किन केयर रूटीन शेयर करने वाली हूँ। बेसिकली विंटर एंड समर स्किन केयर रूटीन में इतना ह्यूज डिफरेंसेस नहीं होता है, सिंपल सा कुछ बेसिक हम चाहते हैं हमारे स्किन के लिए, एंड जो कि हम समर टाइम में वो अवॉइड करते हैं थोड़ा सा। सो वेरी सिंपल ये जेन्युइन जो है स्किन केयर रूटीन जो मैं पर्सनली यूज़ करती हूँ अपनी डे टू डे लाइफ में विंटर्स में, और मुझे बहुत पसंद है, वही मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। दो दो ऑप्शन दूंगी मैं हर एक चीज़ में, वेरी सिंपल ये बहुत ही फायदेमंद होगा। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा, एंड अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करना कमेंट में डाउन, एंड अगर आप मेरे चैनल पे नए हो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन, इज एब्सोल्युटली फ्री, एंड हिट द बेल आइकन ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो लाऊं आप सबसे पहले नोटिफाइड हो जाए। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट मी शो यू माई बेयर स्किन। देखिए मेरा बेयर स्किन है ये, एंड स्किन में पिंपल स्पॉट होना, कुछ मार्क्स होना, फेशियल हेयर होना, कुछ भी बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, किसी को भी हो सकता है, एंड इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर प्रॉब्लम है स्किन का हाइड्रेशन एंड थोड़ा सा मॉइस्चराइजेशन मेंटेन रखना। सो इसीलिए विंटर में या एनी टाइम स्किन केयर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली विंटर्स में, क्योंकि ज़्यादा ड्राई हो जाता है स्किन जिनका ड्राई टू नॉर्मल है। सो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप है फेस वॉश, तो उसके लिए मैं एक्वालॉजिक एंड सेटाफ्रेश आपको दिखा रही हूँ साइड बाई साइड दोनों। सो सेटाफ्रेश जो है थोड़ा एक्सपेंसिव साइड में है, एंड एक्वालॉजिक थोड़ा सा अफोर्डेबल साइड में है। एक्वालॉजिक जो है मैंने काफ़ी ख़त्म कर लिया है क्योंकि मुझे वो बहुत पसंद है। सो यहाँ पे मैं आपको सेटाफ्रेश का यूज़ करके दिखा रही हूँ। देखिए क्लिनजिंग लोशन है ये, लोशन टाइप में है, सो इसमें फोम क्रिएट नहीं होगा आपको। ये मुझे डॉक्टर ने रिकमेंड किया है, बट ये कोई भी यूज़ कर सकता है। अगर आपको सेंसिटिव स्किन हो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। थोड़ा एक्सपेंसिव है, 500 समथिंग का हो जाता है, बट काफ़ी लंबे टाइम तक चलता है, इसी वजह से थोड़ा फ़ायदेमंद है। सो इसे मैं अपने फेस में अच्छे से क्लीन करूँगी अपने फेस को, एंड फिर मैं इसे वाटर से वॉश करूँगी, नॉर्मल वाटर से, या फिर आप वाइप भी कर सकते हैं अपने फेस को। सो देखिए मेरा फेस इंस्टेंटली क्लीन हो गया, क्योंकि क्लीन फेस में हमेशा अप्लाई करना चाहिए कोई भी चीज़ें। सो मैं इसे डैप करूँगी एक टॉवल से, दैट्स इट। उसके बाद देखिए मेरा स्किन फ्रेश हो गया, एंड हमारा सेकेंड स्टेप आता है टोनर का। सो टोनर आप अगर कन्फ्यूज्ड है यू कैन यूज़ जस्ट रोज वाटर। यहाँ पे मैं गुड वाइफ्स राइस वाटर यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे ये पसंद है एंड ये अफोर्डेबल भी है। सो नेक्स्ट जो स्टेप है थर्ड, वो होता है फेस सीरम। सो समर टाइम में आप अवॉइड कर भी सकते हो फेस सीरम, बट विंटर टाइम में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सो फर्स्ट है ये एक्वालॉजिक का फेस सीरम, मुझे बहुत पसंद है यार, ख़त्म होने वाला है ये। ये है कोकोनट वाटर एंड हाइलोरोनिक एसिड के साथ। सीरम थोड़ा सा लाइट है, सो अगर आपका ऑयली स्किन है, विंटर टाइम में स्किन ऑयली रहता है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, योर स्किन विल लव इट। सो सेकेंड जो ऑप्शन है मैं आपको दिखाऊंगी वो बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है। ये है गुड वाइफ्स का रोजे फेस सीरम। अगर आपने अभी तक इसे ट्राई नहीं किया तो डू गिव इट ए ट्राई। यहाँ पे मैं बड़ा बॉटल आपको दिखाती हूँ, बट यहाँ पे आपको छोटा सा मिल भी जाएगा, ड्रॉपर के साथ आता है, एंड जस्ट सी द सीरम इज सो मच थिक, एंड ये ना बहुत अच्छा। अगर आपको नॉर्मल टू ड्राई स्किन है आपको ना इससे प्यार हो जाएगा काफ़ी। सो अभी मैं इसे ही अप्लाई करूँगी अपने स्किन पे, फिंगर टिप पे लेके, 2 pumps एनाफ होता है। अगर आपको चाहिए तो 3 pumps लेके अपने फेस पे अच्छे से मसाज कीजिए, या फिर डैबिंग मोशन में भी आप इसे लगा सकते हो। सो ये आपको पर्पल पे मिल जाएगा, छोटा बोतल शायद आपको 200-250, और ऑफर तो चलते ही रहता है हमेशा, अच्छे में मिल जाएगा आपको। सो ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा। सो देखिए हमारा फेस इतना ज़्यादा नरिश्ड हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा ग्लो ग्लो लग रहा है, दिखने में समझ में आता है कि कितना स्किन को अच्छा लग रहा है। सी फोर्थ जो है मॉइस्चराइज़र, वो है दिखा रही हूँ मैं एक्वालॉजिक का मॉइस्चराइज़र। ये मैंने न्यू लिया है, फेस एंड बॉडी के लिए बोथ है। सो यह फेस में भी अप्लाई कर सकते हैं एंड बॉडी में भी बोथ। ये काफ़ी थिक है पर चिपचिपाहट बिल्कुल भी आपको नहीं लगेगा। ये मॉइस्चराइज़र ये इजीली आपके स्किन में सिंक इन हो जाता है, एंड आपको हाइड्रेशन एंड मॉइस्चराइजेशन प्रोवाइड करता है। सो हाफ ऑफ द फेस पे मैं आपको ये मॉइस्चराइज़र लगा के दिखाऊंगी। वेरी इजीली ब्लेंड हो जाता है, कोई वाइट कास्ट नहीं रहता है, चिपचिपाहट तो बिल्कुल भी नहीं है। ये आपको 300 में ऐसा मिल जाएगा, उनके ऑफिशियल वेबसाइट में से भी आप परचेस कर सकते हो, या फिर आप पर्पल में भी आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा। सो देखिए मेरा फेस कितना हाइड्रेटेड लग रहा है, बट चिपचिपी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जितना भी विंटर हो चिपचिपाहट चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। सो नेक्स्ट जो मैं हाफ ऑफ द फेस पे अप्लाई करके दिखाऊंगी वो है सेटाफिल का मॉइस्चराइजर। नॉर्मल कॉम्बिनेशन सेंसिटिव स्किन के लिए परफेक्ट है। इसका फॉर्मुलेशन भी मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मुझे ये भी डॉक्टर ने रेकमेंड किया है ड्यू टू सम स्किन इशूज, स्किन के लिए सेंसिटिव हो गया था मेरा एक टाइम पे, एंड ये लगा के मुझे
बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत ही ज़्यादा। थोड़ा सा एक्सपेंसिव है मेरे लिए, 500-600 भी एक्सपेंसिव होता है, एंड मुझे पता है बहुत लोग के लिए 500-600 एक्सपेंसिव लिस्ट में आता है, बट अगर आपका सेंसिटिव स्किन है तो आप लीजिए, क्योंकि थोड़ा सा अमाउंट में आपका फुल फेस पे हो जाता है, एंड जस्ट सी द फेस, बहुत ही ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा, एंड आपको एकदम इरिटेशन कुछ फील नहीं होगा। आप अपने बजट के अकॉर्डिंग कोई भी ट्राई कर सकते हैं, दोनों ही अच्छा है, इसलिए मैं आपको दो दो ऑप्शन हर चीज़ में दिखा रही हूँ, जिसका जितना बजट है उतना ट्राई कर सकते हैं, बट एवरीथिंग इज़ बेस्ट। साइड बाई साइड देख लीजिए, कोई भी साइड आपको मेरा कोई ड्राइनेस नहीं लगेगा, डल नहीं लगेगा, जस्ट सी दोनों साइड में इक्वली आपको शो कर रही हूँ, एंड यू कैन सी द रिजल्ट, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा। सो लास्टली मैं यहाँ पे लिप बम लगा रही हूँ, क्योंकि वो तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एवरी सीजन में। तो लिप बम आप कोई भी लगाइए, निविया का लगाइए, कुछ भी लगाइए, निविया का इसलिए मैं दिखा रही हूँ क्योंकि अफोर्डेबल में अच्छा आपको मिल जाएगा मार्केट में। बेसिक से स्किन केयर आप अपने फॉलो कीजिए डे टू डे लाइफ में, एंड बॉडी को अच्छे से हाइड्रेटेड रखिए, दैट्स इट, एंड यू विल सी the result. Just look at my face, is instantly hydrated and moisturized very much. एंड आई होप आपको मेरा ये वीडियो यूजफुल लगा। स्किन केयर रूटीन जो मैंने आपके साथ शेयर किया है, ये आप डे टाइम में यूज़ कीजिए, एंड नाइट टाइम में तो स्पेशली आप यूज़ कीजिए, क्योंकि नाइट टाइम में ही हमारा स्किन जो है अच्छे से रिपेयर होता है, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डू नाइट स्किन केयर रूटीन। चाहे जितना भी ठंड हो, मुश्किल से कर लीजिए स्किन केयर रूटीन, यू विल फील अ ग्रेट रिजल्ट टुमोरो मॉर्निंग, बहुत अच्छा लगेगा। तो खिचखिचे स्किन जो होता है, तो पैचे स्किन होता है सुबह उठने के बाद, वो बिल्कुल पसंद नहीं होता है, एंड ठंड में ये ज़रूर होता है अगर आपने अच्छे से प्रॉपर नाइट केयर रूटीन नहीं। तो जो भी मैं स्किन केयर रूटीन में आपके साथ शेयर करती हूँ, इसे आप नाइट में भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि नाइट में कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी नाइट स्किन केयर रूटीन कभी नहीं होता है। आपके पास जो है, आपको आपकी स्किन में जो सूट करता है, आप वही यूज़ कीजिए मॉर्निंग में भी एंड नाइट में भी। सो मैं हमेशा कहती हूँ कि नाइट स्किन केयर रूटीन ज़रूर कीजिए, क्योंकि वो आपकी स्किन के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा होता है, ताकि मॉर्निंग में आपका स्किन एकदम फ्रेश रहे। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, एंड अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक, एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, एंड बेल आइकन को ज़रूर हिट कर देना, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो लाऊँ आप सबसे पहले नोटिफाइड हो जाए, एंड मोर ओवर शेयर दिस वीडियो विद द फैमिली एंड फ्रेंड्स, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। टिल देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।